अंदर नहीं आओ ना। छोकरा के बाहर अंदर क्यों नहीं आता? पढ़ा है ये नो आवे तुम अंदर क्यों नहीं आता? अब पढ़ाई भाई अब आ घर कौन है? आ मासी नाम छु। मासी नाम छु हिला तो आई जाओ अंदर। हेलो अंदर नहीं आओ ना केम अपने हेड ले तो मैं तन्नो बड़े तो मैं कौन दिया अपड़ाओ हेली तो या से बे लोग इंजन घरे अपड़ा आ बैठे एक मटार दियो बदाई जदा ना हाक दे जा माथे हाथ फेरो तो शू थे जुए रमेश तू क्यों कोड़ी छू रमेश भरवाड़ बद्दा भरवाड़ छू તમારે ઘરે આવ્યા લોકો કેમ આવે ખરા પણ અંદર ઘર માં બાર તને કોને કીધું એવું કે તમે અભડાઈ જાવ એમ ખબર પડી ગઈ તમે તમે આવી રીતના ખભા ઉપર હાથ મૂકીને ઉભા રહો આ લોકો સાથે કેમ तो पहली बात हम अपना परिचय दे दें आपको। मेरा नाम बड़ू प्रसाद शर्मा शास्त्री है। मैं स्वामी कर्पात्री जी महाराज का शिष्य हूँ और ये जो तुलसी मानस मंदिर है इसका मैं अधीक्षक हूँ और काशी के जो विद्वानों की मंडली है श्री काशी विद्वत परिषद का मैं महामंत्री हूँ। उसके बाद शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूं, छुआछूत जात पात मानता हूं। देखो वो जो दिव्य पुरुष है वेद विराट पुरुष है उसके ब्राह्मणोश्च मुखम आशीत, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ठीक है। बाहु राजन्याः, बाहु से क्षत्रिय, ऊरु तदस्य जनवैश्याः, पेट से यहाँ ये जो स्थान है ना यहाँ से वैश्य पैदा हुआ। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र अजायत माने पैदा हुआ, ठीक है। वेद कह रहे हैं, ये वेद की वाणी, जो हमारी वेद माता है वही सृष्टि का विधान वही बताती है, ठीक है। तो
तो शास्त्र जो शास्त्र की दृष्टि से जो देखा जाएगा वही ठीक होगा और कोई ठीक नहीं होगा। ஊருக்குள்ளே போகும்போது கொஞ்சம் ஒரு மரியாதை போகணும்ப்பா, பாரம்பரியமாக முன்னால் முதியோர்கள் அதாவது நம்ம எங்களுக்கு முன்னால் இருந்தவங்க வந்து இதில் யாருமே செருப்பு போட்டு போக மாட்டாங்க. அப்படி போட்டு போனால் என்ன ஆகும்? போட்டு போகக்கூடாது, அங்கிட்டலாம் போடலாம், அவங்க பிடிச்ச போடலாம், நான் அங்கன்னு போடக்கூடாது. ஊருக்குள்ள அவங்க இருந்தாலும் ஒரு சாரிக்கு ஒரு சாரி கேட்டாருப்பா. બધા છકડા મળ્યા ગામ ને બધા છકડા બધા બોલો બોલવાનું રાખો છો તો કાક થોડું ભાષણ દે અરે છે ને હવ આપણે છે અમારા ગામ માં બડા ઇસબો જેડ વેંગે ને નો બેડ બાકી બધા ને બેડ જેડ વેંગે છે આ લોકો બડા છે જેમ પોલો પાસા એવા રજૂ વાત કરતા કે અમારે હીરા વાળા ઉતરી જાય તેમ બેવા એટલે કે અંદર એ લોકો ટિફિન હોય ને તો ટિફિન ના ભરાઈ જાય செருப்பு சட்டப்படி எங்களை ஊருக்குள்ளே போட்டு வரக்கூடாது. கடைக்கு போகும்போது அந்த தூண்கள் இருந்துச்சுல அது பக்கத்தில் நான் அவுத்து வச்சுருக்கேன். நான் வந்து அதை அவுத்து வைக்காமல் வந்திருந்தேனாக்கா எனக்கு அடிதான். मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, अभी गांव में एग्रीकल्चर व्यवसाय ओसी है बीसी है। हाँ, उनके घर में भी आप काम करते हैं कि वो बुलाते नहीं? जब भी नया घर बनाता है उस टाइम में अंदर भी सब हम लोग ही बनाता है।
घर पूरा होने के बाद कलर गलर सब मारने के बाद अंदर नहीं आने देता। क्यों नहीं आने देता? उन दलित लोग ऐसे नहीं आने देता। दाई है इस गांव में? हाँ हाँ माँ। क्या क्या करते हैं? हम ये लड़का बच्चा होता है इसको लार का पूरन करता है, जो रहता है सब बीता करता है, पानी पर्दा सब फेंकता उगता है, कपड़ा लता उसके सब बच्चा जो होता है उसको नहाना धोना और 5-6 रोजा उसको सेक भी देता है, तेल लगाता है। कितना मजदूरी? 100। उनके यहाँ पे काम करने जाते हैं तो वहाँ पे पानी मिलता है आपको? हाँ खाना मिलता, खाना मिलता है, हाँ। पानी मिलता है। उनके साथ बैठ के खाते हैं? नहीं बैठ के कैसे खेवे, भनसा खाएगा हम बाहर में खाएगा। हाँ। अंदर नहीं जाने देता। शादी ब्याह पे बुलाते हैं? शादी ब्याह क्या बोले तो खाली कमाए घरी शादी ब्याह तरह क्या बोले तो कमा भे बोलो तो अपन घर जा शादी ब्याह क्या बोले तो शादी ब्याह नहीं क्यों तो मुसरनी है ये है मैं चाहे जितना हम राजपूतनी है कि हम बामहिनी है कि क्या बात है आज आप हमारी मूवी बना रहे हो? कॉर्पोरेशन का काम करती है? हाँ जी। आप लोग किस बिरादरी के? वाल्मीकि हैं हम तो। अच्छा आप किसी को भी जानते हैं कॉर्पोरेशन में जो इस बिरादरी का नहीं है और ये काम करता है? हमारी कॉर्पोरेशन में तो कोई ऐसा है नहीं। बिरादरी के हैं आप लोग? क्या काम करते हैं आप लोग? जितना रेल में डेड बॉडी होता था सब हम लोग फेंकते हैं। ट्रेन तो चलती है बहुत स्पीड में, झटका लगता है उसको, उस झटका के कारण से पीस पीस हो जाता है इंसान, और वो पीस को उठा उठा के एक जगह उसको यहाँ है वहाँ है इस तरह से लाते हैं चुनकर एक जगह उसको सेट करके उसको फोटो होता है और उसके बाद हम लोग यहाँ पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देता है। जब सड़ सड़ जाता सर उसको हम लोग उठा उठा के दम कन्हा पर उठा के ले जाते हैं सर। हम लोग बदबू करता है 10 दिन से लोग बदबू करता है सर, लाभ उठा देता है। तो मतलब आपकी नौकरी नहीं है रेलवे में? नहीं सर। गाय देखिए मरता हम उठाते हैं, कुत्ता मरता हम उठाते हैं, बिल्ली मरता हम फेंकते हैं, जितना गंदगी काम आपको जो पैखाना जो करते हैं उसको गंदगी काम हम फेंकते हैं, कोई बड़का जात तो नहीं फेंकने आता। और हरिजने पर इतना कष्ट दिया जा रहा है जब न जब தோட்டி பட்ட எங்களுக்கு மழை சாக்கடையில் நீ இறங்குவோம் சாரி என்ன சொல் எனக்கு விட்டுப்பட்டு செத்தோ மடா மேல வளவுல வெந்தே மடிஞ்சோ மடா வெண்மணியில सनातन धर्म की या हिंदू धर्म जिसे आप लोग कहते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी वर्ण व्यवस्था है पहली बात। दूसरी बात यह है कि वर्ण व्यवस्था जैसा कि अभी आपका कहना था कि पक्षपात से ये व्यवस्था नहीं लागू की गई है, ये शुद्ध रूप से वैज्ञानिक व्यवस्था है, समाज के हित में व्यवस्था है और इस व्यवस्था से समाज का कल्याण ही कल्याण है, किसी तरह की समस्या नहीं। जैसे कि हम 4 घंटा बैठ सकते हैं साधना करते थे, आपको थोड़ा कठिनाई होगी, आप ये जो कर रहे हैं हमको दे दिया जाए हमारे लिए कठिनाई होगी। ये वर्ण व्यवस्था को पहले से ही बनाया गया था, अब हमारे वेद आठ धर्म के जितने उपनिषद रहे हैं यदि सत्य मानते हैं तो वर्ण व्यवस्था तो मानते ही चलना है, चलना पड़ेगा। जो संस्कार पीढ़ियों से हजारों साल से आ रहे हैं उनके रक्त में ये
समाहित हो जाते हैं, जिससे कि मछली के बच्चे को कोई सिखाता नहीं है। आज आप देखते हैं कि एक नाई के बच्चे में स्वभावतः बाल काटने की कला होती है। दूसरा ये कहते हैं कि उसमें छुआछूत भी होता है, तो आप क्या कहते हैं? नहीं, वो होना चाहिए, परंपरा बता रहा है। उस परंपरा को नहीं फॉलो करती तो किस तरह की विपत्ति आएगी समाज? आप कहने लगते कि गुजरा कांड में हजार लाख लोग हुआ। अरे जब गुजरा में तो वो लगा गया उसमें, अरे अरे किसके लिए हुआ? धर्म के लिए तो हुआ ना। स्कूल जाती हो? कौन सी जाति के? स्कूल जाती हो? स्कूल नहीं जाती। हमको हवाई जहाज चलाने का अधिकार नहीं है, और हम ये कहें कि मिस्टर कैप्टन चला रहे इसलिए हम भी चलाएंगे, और हम बैठ जाए उसको चलाने वाली कट उसके अंदर वो क्या किट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कैबिनेट जो होता है उसका, कॉकपिट में घुस के बैठ जाए हवाई जहाज चलाने के लिए और ना हटे, क्या करोगे? मारोगे बोले कि नहीं मारोगे? अरे ये हवाई जहाज लेके जाएगा सबको मार देगा, मुझे अधिकार नहीं है। वैसे शूद्र को अधिकार नहीं है। हमारे ईश्वर ने बनाया, उसी ने शूद्र बनाया, उसी ने ब्राह्मण बनाया, उसी ने क्षत्रिय बनाया, उसी ने विधान बनाया। उसने कहा कि देखो ये काम इसको करना है, ये काम इसको करना है। कई ऐसे काम हैं जो हम पढ़कर कर सकते हैं। ऐसा नहीं, नहीं नहीं, हाँ ये तो हमारी थ्योरी नहीं है, हमारी कई जन्मों की थ्योरी है। शूद्र जाति मिली क्यों? स्त्री जाति मिली क्यों? काला रंग हुआ क्यों? गोरा रंग हुआ क्यों? ये सब हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल है। This caste has absolutely no part in giving seats, etc. It's very unfair. लोकाश ने अन्याय समाज में सवाल होते हैं, लोकाश ने अन्याय जैसे लोकाश आग्रहण के वहाँ नीचे, जब आप अन्याय जैसे आप आग्रहण कीजिए, जब हमने अन्याय जैसे तो लोग आग्रहण कैसे? अबे आज समाज में तो रहूँ तो नहीं, हल्ला संजोगों में क्या हो रहा है? समाज में छे नहीं कि लोको नी साथे आपणे दुर्व्यवहार करी रह्या छे, एक असर करी रही छे, एवुं छे नहीं ने, समय बदलाई गयो छे ने। Frankly speaking, I was out of India for 25 years and I've just come back. So I don't know the real scenario, but I think the youth is doing the right thing to go against this. एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार, पांच छह सात आठ आरक्षण को मारो मार। Why economic status is not given importance and why caste system is being given importance? Some, whenever you ask any political leader, he will say, nahi yaar, it should always be on caste system. But we say, why are you dividing us on caste system? અને એ લોકોમાં હોશિયારી તો કોઈ આગળ આવી શકે છે, એના માટે એ લોકોને કઈ વધારે ટકા અનામત આપવા કે એવું કોઈ જરૂરી જ નથી એમ, જેનામાં સવર્ણનો અન્યાય થઈ રહ્યો છે, ઊંચી કાસ્ટના લોકોનો અન્યાય થઈ રહ્યો છે। Don't introduce reservations, that's it. હેતલબેન ચંદુભાઈ કોણ? તમે? રમીલાબેન કરણભાઈ ઈશ્વરભાઈ મીરાબેન ઈશ્વરભાઈ સોલંકી। અત્યારે હું પાંચમો ક્લાસ સાતમો। હવે સ્કૂલમાં તમે જાઓ, ભગવાન તો ખાય ને, એ સિવાય તમારે શું શું કરવાનું? આ બધું સાફ કરી આ બધું
બધા છોકરા નો વારો હોય ના સમજાયું સમજાવ સમજાયું ના સમજાયું આવે બધા આવે પાણી એક ગ્લાસ લેવાનું પછી ઉકાળીને ખાંડ નાખી દેવાનું પછી દૂધ ચડી જાય દૂધ ઉકળી જાય તો દૂધ નાખી થઈ ગયું તો છોકરીઓને ચા મૂકવાનું આપે કે છોકરાઓને બી આપે છોકરીઓ છોકરાને આપે બે જણ ના જોઈ અને પછી બે ડોલ નરેહી ભરીને ભરીને આવવાનું વારી નાખવાનું સાડા વાગે પછી પાણી દેવાનું જે ગંદુ હોય ને એ ફરી સાફ કરી નાખવાનું ஒரு கிறிஸ்டின் ஸ்கூலில் ஆறாவதுலேருந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் ஆகிரும் அப்போ டென்த்து போகிறதுக்குள்ளே வந்து ஹெட் மாஸ்டர் விட மாட்டார் காரணம் என்னங்கன்னா நீங்கள் படிப்பு சரியில்லை அப்படின்னு வெளியே வெளியே தள்ளுறாரு அப்போ அவங்க அம்மா கெஞ்சிராவும் என்னை கூட்டு போகிறாங்க தம்பி என் மையனை உள்ளே விட மாட்டுறாங்க இப்போ நான் ஹெட் மாஸ்டர் கேட்குறேன் என்ன சார் பையங்க மேலே என்ன சார் எது சார் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கானு இல்லை பையங்க படிப்பு இல்லை முட்டா பயலுங்க ஏன்டா பள்ளிக்கூடம் படிக்க மாட்டேன்னா ஆனால் எங்களை டெய்லி கக்குஸ் கழுவு வைக்கிறது அவரை யூஸ் பண்ணுற பாத்ரூமை கழுவ வச்சார் அவ தனியாக அவர் ஹாஸ்டலு அப்புறம் ஸ்கூலு அப்புறம் பாய்ஸ் டாய்லெட்டு கேர்ள்ஸ் டாய்லெட் இந்த லெட்டின் கழுவுறதுக்கு போகக்கூடாதுன்ற ஒரே காரணத்தை வச்சு நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் பிள்ளையில இந்த நிலைமைக்கு விடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை வச்சு பிள்ளையில படிக்க வச்சோம் கடைசியில் எந்த இது நாங்கள் போய் தொடக்கூடாதுன்னு நினச்சோமோ அந்த இதுலேயே கொண்டு போய் பிள்ளையே கொண்டு லெட்டின் கழுவு விட்டதுலேருந்து இந்த ஒரு வருஷம் பள்ளிக்கூட போகவே மாட்டுறாங்கம்மா બધા ઓલા અભડાય નહીં બીજા લાય તો નહી જાતો એમ બધા પાય પાય નહી હું ન કરી દઉં એટલે બીજી બીજું થાય શું જાવે જ નહીં મન લાગે જરૂર क्या होता है क्लास में हम लोग से छुआछूत मानते हैं इसलिए किसी को उठाते कौन छुआछूत मानते हैं टीचर टीचर आप लोगों ने सर को कहा कि हम लोग आगे पीछे बैठेंगे सर ने अपने हिसाब से बिठाया अपने हिसाब से हम लोग को कहता है शमा ये छुआछूत क्या होता है उन सब का आगे बैठाता हम लोग का पास करता और मास्टर उन सब का पढ़ाता और हम लोग के यहाँ खाली हम लोग बैठाते रहता टीचर कौन सी बिरादरी के रावत और तुम लोग सब किस बिरादरी के हो हम लोग नहीं तुम क्या हो रावत अच्छा विक्रम बता तुम लोग आगे क्यों बैठते हो रावत है इसलिए रावत आगे बैठते हैं पीछे कौन बैठते हैं हरिजन ये सब हाँ रावण घर के भी खड़े हैं कौन है यहाँ पे रावत
हाँ क्या है ये सब बराबर तो क्या है बगल में सब आइए ना थोड़ा आगे आइए ना कुछ हो जाए सर आप रावत हैं आप रावत हैं यस आप मास्टर हैं यस सर आप मास्टर हैं यस सर नाम क्या है महेश प्रसाद रावत ये छुआछूत क्यों कराते हैं आप स्कूल में नहीं सर ऐसा तो नहीं होता है क्लास बाय क्लास बिठाते हैं सबको क्लास में नहीं बैठे हम लोग आगे बैठते हैं तो पीछे कर देते हैं सर और तुम लोग हम लोग आगे बैठाते हैं आप बताइए यस सर क्या कह रहे हैं ये तो सर इसे तो गलत बतला रहे हैं हम भाई क्लास में क्लास बैठाते हैं सर नहीं सर सब लड़का को पीछे बैठाता है और कहता है कि गलत बोल रहा है ऐसा है सर कि सबको पीछे बैठाते हैं तो आगे किन को बैठाते नहीं एकदम हरिजन टोला वाला सब पीछे बैठाता है यहाँ चमार रहते हैं सब इसलिए छुआछूत करते हैं सर हम लोग को बच्चा पीछे बैठाने का काम करते हैं छुआछूत तो है ही नहीं सर कहीं भी नहीं जी नहीं सर आप लोग झूठ बोल रहे हैं ना सर झूठ बोलता बचपन से लेके एंड तक वो ऊपर है हम नीचे हैं वो ऊपर है हम नीचे वो 25 साल से एक चीज ही सुन रहा है उसका ब्रेन कहाँ डेवलप कर रहा है बात होगी जैसे मेरे बच्चे की एडमिशन होगी अभी थोड़ी देर में तो मेरे से पूछा जाएगा क्या कैटेगरी में मैं भरूंगा नहीं वहां पर ऐसे कभी नहीं भरूंगा क्यों भरूंगा अपने बेटे को क्यों मुझे एहसास करूँ को भी नीचा है क्यों एहसास कराऊं उस चीज को उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो एक ब्राह्मण जाति के पास है और उसके पास नहीं है क्या है उसमें उसको अधिकार नहीं है अब वो कहे चपरासी हम यहाँ 40 साल से नौकरी कर रहे हैं और हमारा लड़का हाई कोर्ट का जज बन गया है इसलिए हम इस कोर्ट में आज बैठेंगे उसको अधिकार नहीं ना है अब वो जब तक ऑन ड्यूटी चपरासी रहेगा वो जब तक धरातल पर सूत्र रहेगा उसका परिवर्तन नहीं हो सकता है चाहे वो कितना भी पढ़ ले पढ़ ही नहीं सकता उसका अधिकार ही नहीं पढ़ेगा ही नहीं पढ़ नहीं सकता उसके समझ नहीं आ सकता है विद्वान नहीं हो सकता है अब देखो भाई सुनो लड़ाई करा दोगे तो भारत स्वतंत्र हुए 58 साल हो रहे कितने वर्ष में कौन चमार का लड़का टापर हुआ वर्ल्ड में अरबों खरबों रुपया तो उस पर खर्च दिया गया ये बता I've done my MPhil on basically on Dalit feminism in Maharashtra, how the Dalit women are defining themselves. Very first experience of JNU, I had a friend, and my first semester, and we were a very good friend, and she was unwell. I used to look after her. You know, after a few days, she came to know I'm a Dalit girl, so she said to me in Marathi, ओ आई एम अ ब्राह्मण गर्ल यू नो मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया तुमने मेरी सेवा की है दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड दिस अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड हु हैड अ ब्राह्मण फ्रेंड एंड ही हैज़ अ काइंड ऑफ दिस थिंग ओ आई गॉट अ दलित रूममेट सो ही हैज़ डन अ काइंड ऑफ पार्टीशन सो ही डजंट वॉन्ट टू सी अ फेस ऑफ अ दलित बॉय अर्ली इन द मॉर्निंग एंड दिस थिंग स्टिल गोइंग ऑन एंड इट्स नॉट कमिंग आउट ऑल्सो Lots of Dalit girls who were junior to me tried to approach me when they were facing a kind of discrimination among roommates and I too have a... So when I used to try to sort it out, you know, this kind of problems, I find that beyond a point... But I find that Dalit girl, which is my observation in institution like JNU, they don't want to come out and say that I'm a Dalit. A friend of mine, should we move? Has been proposed by a Brahmin guy. When he realized she's a Dalit girl, first reaction was, oh, she don't look like a Dalit because her features are like a Brahmin because...
And then over a period of time, when you realize she is a Dalit, the first reaction, I can't marry. I think we also have to think also that self-dignity and self-respect is much more important than anything else. Suna bhaiya